ए जिंदगी एक छोटी सी फिल्म है तो क्या यह छोटी फिल्म लोगों के दिल और दिमाग पर बड़ा इंपैक्ट करेगी हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नहाट ऑफिशियल इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म ए जिंदगी को लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा ए जिंदगी फिल्म है अबाउट ऑर्गेन डोनेशन एंड ऑर्गेन ट्रांसप्लांट विनायक चावला सत्यजीत डूबे एक अस्पताल पहुंचते हैं ही इज गॉट सिरोसिस ऑफ द लिवर और उन्हें कहा जाता है कि उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है नेचुरली वेटिंग पीरियड है और अल्टीमेटली जब उन्हें एक लिवर डोनर मिलता है तो क्या होता है सर्जरी होती है ट्रांसप्लांट होता है या नहीं होता है उससे पहले क्या होता है उसके बाद में क्या होता है ये सब बताया गया है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रेवती राजन उस अस्पताल के साथ कनेक्टेड है वो लोगों के फैमिलीज के पास जा जाकर जो जिसके यहाँ डेथ हो गई हो या ब्रेन डेड हो गए हैं उनको प्रोत्साहित करती है कि आप ऑर्गेन डोनेट कीजिए ताकि लोगों को जिनको इन ऑर्गन्स की ज़रूरत है उन्हें जीवनदान मिले तो ये सारांश में कहानी है आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट को कथा पटकथा और संवादों को इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है अनिरबान बोस ने द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले दोनों बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल है बहुत ही सच्चे और अच्छे तरीके से लिखे गए हैं इनफैक्ट इतनी इमोशनल कहानी है कि वीक हार्टेड जो है वो तो बकेट्स रोएंगे मगर इसका नेगेटिव साइड ये है कि एक ही ट्रैक पर चलती है अफकोर्स एक लव ट्रैक भी है विनायक चावला यानी सत्यजीत डूबे और अस्पताल की नर्स मंजुला प्लेड बाय मृणमय गोडबोले इनका एक लव ट्रैक भी है लेकिन वो भी मेन ट्रैक से इतना जुड़ा हुआ है क्योंकि अस्पताल का रोमांस है इसलिए आपको लगता है कि एक ही ट्रैक पर फिल्म चल रही है तो ये एक माइनस पॉइंट है क्योंकि जो दर्शक सारे इन्ग्रेडियंट्स चाहते हैं एक कमर्शियल एंटरटेनर में उन्हें सारे इन्ग्रेडियंट्स नहीं मिलते हैं एक और बात क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस ट्रेजिडी डिप्रेशन वाली फीलिंग भी आती है इसलिए कुछ लोगों को इतना भारी सब्जेक्ट डाइजेस्ट नहीं होगा लेकिन एक बात साथ में यह भी कहेंगे कि अनिरबान बोस हैज रिमेन ट्रू टू मेन सब्जेक्ट उन्होंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स या कुछ एडिशनल ट्रैक्स ऐसे ही नहीं डाले हैं जस्ट टू केटर टू द कमर्शियल पैरामीटर्स या कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फिल्म तो दाद देनी पड़ेगी उनके स्क्रिप्ट की और जो डायलॉग्स हैं उनके वो सीधे जाके दिल को छूते हैं ये तो ही बात स्क्रिप्ट की अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर रेवती एज रेवती राजन इज फैंटेस्टिक बहुत ही बेहतरीन काम किया है और उन्होंने अपने किरदार को एक ऐसी डिग्निटी लैंड की है कि वो किरदार और उनका परफॉर्मेंस दोनों ही मेमोरेबल बन जाते हैं सत्यजीत डूबे एज विनायक चावला इज एब्सोल्युटली फंटेस्टिक बहुत ही नेचुरल एक्टिंग है खासकर इमोशनल सीन्स में वो ऑडियंस को रुला देते हैं और उनके मेकअप की बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी मृणमई गोडबोले एज नर्स मंजुला इज गुड सावन टांग जो विनायक चावला के भाई कार्तिक चावला की भूमिका निभा रहे हैं ही इज ऑल्सो फेंटेस्टिक डॉक्टर कपूर की भूमिका में हेमंत खेर इज वेरी एंडियरिंग एंड बढ़िया काम बहुत बढ़िया काम जो ठहराव चाहिए वैसा ही ठहराव उन्होंने प्रेजेंट किया है मुस्कान अग्रवाल जो रेवती की बेटी की भूमिका निभा रही है शी इज डन अ वेरी फाइन जॉब एक सीन है जहां पर शी ब्रेक्स डाउन मतलब आपके आंसू निकल आएंगे As रेवती सन is also endearing. बहुत सारे किरदार हैं बहुत सारे एक्टर्स हैं और सभी ने एक्सेलेंट सपोर्ट लेंड किया है तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर अनिर बोस के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और जिस प्रकार की उनकी स्क्रिप्ट है उतना ही सेंसिटिव उनका डायरेक्शन है कहना पड़ेगा कि हिज स्क्रिप्ट एंड हिज डायरेक्शन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ब्यूटिफुली बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने फिल्म बनाई है फिल्म में संगीत अनिर्बान बोस और सुरेल इंगले का है एंड दैट्स अ माइनस पॉइंट क्योंकि म्यूजिक कमजोर है इस प्रकार की फिल्म में दो तीन गाने अच्छे भी होते तो डेफिनेटली इंपैक्ट बढ़ता पूरी कहानी का पूरे फिल्म का लिरिक्स आबाए अमिताभ एस वर्मा एंड अनिर्बान बोस दे आर डेफिनेटली बेटर देन द म्यूजिक और अभिजीत कुंडू और सुरेल इंगले का बैकग्राउंड म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स द ड्रामा ब्यूटिफुल सुरजोदीप घोष की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है शीना गोला की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज इन सिंक विद द फिल्म विद द मूड ऑफ द ड्रामा एंड सूरज गुंजाल की एडिटिंग इज वेरी क्रिस्प वेरी शार्प तो ओवरऑल ए जिंदगी एक बेहतरीन फिल्म है ऑफकोर्स कमर्शियली यह बहुत ज्यादा चल नहीं सकती है एक तो बहुत क्लास अपीलिंग फिल्म है सेकेंडली एक ही ट्रैक पर चलती है बट साथ में हम ये कहेंगे कि बेहतरीन फिल्म है इट डिज़र्वस सक्सेस एंड इट डिजर्व्स पेट्रनेज फ्रॉम ऑडियंस बिकॉज बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है बहुत ही अच्छी फिल्म है बहुत ही हार्ट टचिंग ड्रामा है एंड एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ब्यूटिफुल मैसेज भी देती है ये फिल्म सो इट रिक्वायर्स पेट्रनेज तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ ए जिंदगी कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने कॉमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और क्या इस फिल्म में आपको रोना आया थैंक यू शुक्रिया टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ सी यू सून